ओके तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस जो कि मैंने आप लोगों को दिया था। ये डेट एंड टाइम एंड टेक्स्ट फॉर्मूला से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चंस है काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर, जो कि सबसे पहले आपको इसके अंदर में कितने नंबर ऑफ करेक्टर है, एक पर्टिकुलर करेक्टर कितना है, कि इसमें बी कितना बार है, ई कितना बार है, एक करेक्टर को काउंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम कर सकते हैं इसको कई सारे फॉर्मूलों को एक साथ कंबाइन करके। तो कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेन का फॉर्मूला लगाएंगे। लेन का फॉर्मूला क्या करेगा, लेंथ निकालेगा कि टोटल लेंथ क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूले में इसको सिलेक्ट करते हैं और हम बोलते हैं कि इसके अंदर बी, ऊपर जो बी करेक्टर है, इस बी करेक्टर को रिप्लेस करना है ब्लैंक से। ठीक है, मतलब कि जितने भी बी है सारे बी को डिलीट कर देगा। बट यहाँ छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये स्मॉल बी को डिलीट नहीं किया, मतलब कि रिप्लेस नहीं किया, सब्स्टिट्यूट पर बोला। क्या होता है सर कि सब्स्टिट्यूट जो होता है केस सेंसिटिव होता है। जैसे सब्स्टिट्यूट लगाते हैं ना, तो आपको ये जो है केस सेंसिटिव होता है कि बड़े छोटे का फर्क रखता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड ऊपर वाला और इनपुट दोनों को हम अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा कि केस सेंसिटिव जो है वो रिमूव हो जाएगी, फिर ये स्मॉल बी को भी रिप्लेस कर देगा। फिर वापस मैं लेन लगाऊंगा और लेंथ में पता करूंगा कि इसका कितना नंबर है, फिर 13 माइनस 11 आपके पास आएगा। मतलब जब बी था तो कितने नंबर ऑफ लेटर थे, हमने बी को रिमूव कर दिया तो कितना नंबर ऑफ लेटर है, तो बी कितने हैं क्या सर, बी मतलब 2 हो गए। गया समझ में। जी हेलो, हेलो, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे सर। मैंने लेन का फॉर्मूला लगाया जी और लेन के फॉर्मूले में हमने काउंट किया कि कितने नंबर ऑफ लेंथ है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लेंथ है, फिर हमने बी को रिमूव कर दिया, राइट, और फिर वापस हमने लेन से काउंट किया और हमने दोनों को आपस में माइनस तो कर लेंथ दिया। तो 13 दिखा रहा है इसमें, क्या सेवन ही है ना लेंथ इसका। ठीक कैसे 7 है, कॉमा कहाँ गया। है, ठीक, ओके। आ गया समझ में। क्वेश्चन का नंबर दूसरे पे ये आते, दूसरा क्वेश्चन था कि मुझे इसमें से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए, और जहां तक मुझे उम्मीद है मैंने ये चीज आपको बताया था क्लास में। देखिए अरुण जी, आपने जो लगाया सर, आपने गलत लगाया है। अब हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। होगा तो एसी। एक सेकेंड। हाँ बद्यारी जी, गुड इवनिंग। कहा 15,000 तो देखिए इसमें मैं मुजफ्फरपुर। शुरू से बताता हूँ, ध्यान लगा सुनिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए, शोर मत कीजिए प्लीज।
अब ध्यान से देखिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं इसमें। हम यहां पे जो है लगाएंगे फॉर्मूला फाइंड का, से पहले या नीचे फाइंड का, ठीक है। फाइंड फॉर्मूले में हमने स्पेस को इसमें से फाइंड करना है, राइट। और फिर मैं यहां फॉर्मूला लगाऊंगा लेफ्ट का, लेफ्ट फॉर्मूला को बोलूंगा कि भाई फर्स्ट स्पेस माइनस वन दिखा दो। तो हमारा फर्स्ट नेम आ गया, जो कि आसान है, सबसे आसान है। दिक्कत है लास्ट नेम में, क्योंकि किसी में दो नेम है और किसी में तीन नेम है। जैसे मैं यहां पे मान लीजिए दो नेम लिख देता हूं, तीन नेम लिख देता हूं, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला फाइंड का मैं लगाऊंगा, और फाइंड में बोलूंगा कि स्पेस इसमें से फाइंड करो, लेकिन कॉमा वन मैंने डाल दिया तो फिर रिजल्ट चार ही देगा। तो एक वन क्या है इसको समझिए। ए वन ये है कि ए बताता है कि आपको फाइंडिंग स्टार्ट कहां से करनी है, ठीक है। आपको फाइंडिंग स्टार्ट कहां से करनी है, तो हमें फाइंड स्टार्ट करना है पहले स्पीच के बाद से। तो फोर प्लस वन हमारे पास रिजल्ट 10 आ गया। फिर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा राइट का, राइट इसको सिलेक्ट किया और बोला कि कंप्लीट लेन माइनस 30 आ गया रिजल्ट। अब मैं फाइन इसको आपस में मर्ज कर देता हूं ताकि नीचे ड्रैग कर सकूं। तो ये समझ, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करता हूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जहां पे सिर्फ दो ही नेम है वहां पे एरर दिया। तो एरर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है आपका फाइंड का फॉर्मूला, क्योंकि उसको दूसरा स्पेस नहीं मिल रहा है। तो मैंने यहां पे इफ एरर का फॉर्मूला लगाया, इफ एरर, और मैंने बोला कि अगर दूसरे स्पेस वाली फॉर्मूला एरर देता है तो आप राइट का फॉर्मूला लगाएं, इसको सिलेक्ट करें और लेंथ, इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस फाइंड, और इसमें आप स्पेस इसको सिलेक्ट करें एंड कम आउट, रिजल्ट आ गया। अरुण जी समझ में आया आपको, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मेरे पास अगर ये रहा डेट ऑफ लीव है, मुझे इस तरह से ज्वाइन करना है, तो आपने ज्वाइन किया तो आपको यहां रिजल्ट गलत आया था। तो ये जो आपने अलग अलग किया उससे अच्छा है कि आप यहीं पे कर लेना। यहां पे क्या होता है सर कि अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो एरर आने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेट है हमारा वो डेट होता है, उस डेट को जो आप देख रहे हैं वो डेट क्या होता है कि दिखता डेट है लेकिन एक्चुअली में नंबर होता है, जो कि आपको मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में पढ़ाया था और मैंने टेस्ट फॉर्मूला में बताया था कि जब भी आप डेट को आपस में कंबाइन करें तो आप टेक्स्ट फॉर्मूला लगा के करें। आई थिंक आप लोगों ने इसको याद नहीं रखे, तो यहीं पे मैं B2 को जो डालूंगा वो मैं टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर डालूंगा। और यहां C2 को भी डालूंगा तो उसको भी, तो दोनों डेट को मैं टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर डालूंगा और कस्टम फॉर्मेटिंग वाला कोड जो है कि DD/MM/2
वाई वाई यहां हम रखेंगे और एंटर मार देंगे, तो वहां डेट कंबाइन होगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास। इसमें मैंने बोला था रैप्ड के एग्जांपल देने का, एक एग्जांपल तो मैंने दे रखा है, बाकी एग्जांपल देने का, लेकिन मुझे नहीं लग रहा अरुण जी एग्जांपल सही है। हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल एग्जांपल। अरुण जी आप इसको समझ रहे हैं ना कि ये कैसे बना हुआ है? ये तो समझ रहे हैं सब, इतना समझ में आ रहा है, लेकिन इसका यूज कहाँ होगा वो समझ में नहीं आ रहा था। सर यही तो सीखना है। चलिए एक और यूज मैं आपको बताते हैं, ठीक है? लॉस स्लैश प्रॉफिट। ठीक है, मैं यहां पे लॉस और यहां पे प्रॉफिट दे देता हूं। और इफ कंडीशन देता हूं कि इफ अगर ए लेस देन जीरो है तो मैंने बोला रैप्ड फॉर्मूला, रैप्ड में वही कैरेक्टर को मैंने यहां दिया, ठीक है? और यहाँ पे बेसिकली माइनस होने की दिक्कत है, तो एबीएस का फॉर्मूला होता है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू करता है, माइनस को प्लस कर देता है। अदरवाइज मैंने बोला कि ब्लैंक होना चाहिए, नीचे हमने ड्रैग किया, ठीक है? अभी नंबर ज्यादा है तो मैं इसको डिवाइड बाई फाइव कर देता हूँ, तो नंबर कम जाएंगे। उसके बाद हमने इसी फॉर्मूले को कॉपी किया और यहां हमने पेस्ट किया, और कंडीशन को लेस देन से हम ग्रेटर देन कर देते, सिंपल। ओके, अब इसको सेलेक्ट करके मैं फॉन्ट में आता हूं, बिटैलिक बोल्ड का इस्तेमाल करता हूं। इस तरह का कलर मैं यहां इधर सेलेक्ट करता हूं, हाँ, और इसको मैं बोलता हूं इधर, हाँ, और इसको कर देता हूं रेड और इसको कर देता हूं ग्रीन। और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाता हूं, बॉर्डर में आता हूं, एक मोटा सा बॉर्डर देके, प्रशांता जी क्या हुआ, बड़े जल्दी ज्वाइन किया आपने, लेट हो गया सर थोड़ा। हेलो, थोड़ा तो नहीं, काफी लेट हो गया। हाँ काफी लेट हो गया। ठीक है, और पेज ऑर्डर में आके गिलाई हटा देंगे तो और बेटर देखेंगे। बोलिए सर। अच्छा हो गया, बस ऐसे सोचना होता है। ग्राफ अपना कोई वास्ता नहीं है इससे ना, प्रॉफिट लॉस से सर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, नंबर वैल्यू सही किया आपने,
टेक्स्ट को नंबर करना है तो नंबर वैल्यू, या आप वैल्यू का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं वो भी कन्वर्ट कर देगा। या दूसरा तरीका एक और है, जैसे आप कोई नंबर देते हैं, अगर इस पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करे से प्लस जीरो मल्टीप्लाई में वन, इससे वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा बट आपका टेक्स्ट कन्वर्ट होकर नंबर में शो करेगा। ठीक है सर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप इससे है डेट फॉर्मूला से। तो इसमें क्या था कि कैलकुलेट द एज इन द मंथ, आप मंथ एज को कैलकुलेट करना था ईयर मंथ और डेज में, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ठीक है किया। ये क्या किया सर आपने, माइनस क्यों किया है? ईयर निकाला उसका, वो तो ठीक है लेकिन माइनस करने से ईयर तो निकलता है, और ये ऐसा क्यों आ रहा है 31 को दिख रहा है फिर माइनस करने पे? इसमें कस्टम फॉर्मेट लगा दिया था। गलत है सर, आपको मैंने क्या पढ़ाया था, डेटेड इफ फॉर्मूला पढ़ाया था ना, डेटेड इफ याद है, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, इसमें और इसमें हम कर देंगे y फॉर ईयर, तो एग्जैक्ट ईयर दिखाएगा आपको। ठीक है, ऐसे आप यहां पे करेंगे डेटेड इफ और स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहां दूंगा मैं y के साथ m, मतलब y को इग्नोर करें और m शो करें, सिर्फ m करोगे तो एज इन द मंथ आ जाएगा, इसलिए यहां पे y m हमने किया 01, और फिर डेज के लिए यहाँ एक मिनट 01 नहीं होगा, 01 नहीं होगा, हाँ 0 महीना गलत आ रहा था सर। डेटेड इफ स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा एम डी 18 दिन, आपका रिजल्ट तो गलत था। अब सही है, अब कॉन्ग्रेनेट कर, आपने जो कॉन्ग्रेनेट किया है वो जैसे आप लगाते हैं उससे कर दीजिए। ठीक है, तो आ गया आपको फॉर्मूला रिजल्ट, ये फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैं यहाँ पे कोई महीना डालूं तो मुझे इसका स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑटोमेटिक पता चले, तो आपने गलत बनाया, डेट थोड़ी डालेंगे मंथ डालेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्कटा नेट फॉर्मा लगाना है 1- और n परसेंट के साथ हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और फिर n परसेंट के साथ डैश 2018। आप लोग तो बड़े चाव से इसको देख रहे हैं लेकिन आप लोगों ने बना के भेजा नहीं है, सिर्फ एक दो लोगों ने भेजा है डेट वैल्यू को फॉर्म में। और फिर ईओ मंथ उसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा 0, इस महीने का आखिरी डेट। यहाँ पे जो भी डालूंगा, अगर मैंने मार्च डाला तो मार्च का स्टार्टिंग और एंडिंग आपको। ठीक है सर, सही है सर। M परसेंट क्या, M परसेंट क्यों यूज किया, जोड़ा है दोनों को? हाँ, यहाँ पे कंबाइन करने के लिए, मार्च है ना तो कॉन्कटा नेट कंबाइन M परसेंट से भी होता है। फिर से बोले सर, क्या बोले? ज्वाइन करने के लिए दो टेक्स्ट को आपस में। अच्छा ठीक,
अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा बिलिंग साइकिल है 5 to 6 और ड्यू डेट है 26, मतलब कि अगर मैं हर महीने की शॉपिंग करता हूँ क्रेडिट कार्ड से, अगर 6 तारीख से पहले शॉपिंग करता हूँ तो मुझे उसी महीने की 26 तारीख को देना पड़ेगा, और 6 तारीख के बाद करता हूँ तो मुझे अगले महीने की 26 तारीख को देना, समझ गए? तो यहाँ पे वो दिखाना है कि जो ड्यू डेट दिखाना है कि इसी महीने की 26 तारीख है या अगले महीने की 26 तारीख है, जिस मंथ मतलब कि जिस जो महीना शॉपिंग हुआ है वो महीना। तो सिंपल सा हम कंडीशन लगाएंगे इफ डे, डे में इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 6 है तो डेट 2018 में नहीं लिखेंगे हम, ईयर ले लेंगे इसमें से ए साल, फिर हम मंथ लेंगे ए महीना और दिन तो 26 टाइम तो 26 में लेंगे, ठीक है? एंड कॉपी, फिर इसमें उसको पेस्ट करेंगे और इसमें प्लस वन आ गई। समझ गया सर? हमने बस कंडीशन लगाया कि लेस देन 6 है तो इसी महीने की 26 तारीख, अगलवाई अगले महीने की 26 तारीख, तो हमने मंथ में प्लस वन, सिंपल। क्वेश्चन में 9 था कि हमें इस डेट में ये इतना पीरियड को ऐड करना है, इसके लिए तुमने तो बताया था फॉर्मूला, आपने क्यों नहीं किया सर? अरुण जी नहीं सर, वो तो सही थे, हम पूछ रहे क्यों नहीं किया आपने, तो बताया था एग्जांपल मैंने क्लास में बताया था, नहीं समझ में आया तो कॉल कर लेते ना सर। हम देखें क्लास थोड़ा चल रहा होगा इसी वक्त में कॉल, तो चल रहा होगा। आपके क्लास में किसी का फोन नहीं उठाता क्या? मैं बिल्कुल उठाते हैं फोन, तो ठहरे तो करता हाँ, कुछ जैसे कि सैंपल रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा होता हूँ या फिर सो रहा होता हूँ तो नहीं उठाता हूँ, एक दो घंटे दिन में सो जाता हूँ ताकि रात में एनर्जी बना रहे, बनाए घर में वह 12 बजे तक पढ़ा नहीं पाता ना सर। कितने 12 से 12 बजे सर की क्लास ना सर, पहली क्लास सुबह 5 बजे लास्ट क्लास रात के 11 बजे, दोपहर में अगर टाइम मिला तो एक दो घंटा सो लेता हूँ। टाइम नहीं है मालूम कि कब सो, अब टाइमिंग है रेस्ट का। अब यहाँ पे एक चीज और है, इसको भी आपने नहीं किया हुआ है, मुझे मान लीजिए आप ऑफिस गए इस डेट को इस तारीख में, क्या होता है कि डेट डिफरेंस ये भी बताया था मैंने आपको लेकिन आप शायद किए नहीं, कि सुबह 10 बजे आप ऑफिस जा रहे हो, शाम को 8 बजे ऑफिस जा रहे हो, तो कितना घंटा आपने काम किया, या तो आप उसको माइनस कर दोगे, लेकिन आप दोपहर के 2 बजे ऑफिस से जा रहे हो और आप 3 बजे ऑफिस से रिटर्न हो रहे हो, ये जो 3 बजे का इसका तो डेट चेंज हो जाएगा ना, ये 3 और ये 2 ही बजे बनेंगे, 1 ही बज गया, तो इसका डेट चेंज हो गया ना सर। आज अगर 2 बजे आज 25 तारीख को आपने गया और आज रात को वापस आएंगे तो 26 तारीख हो जाएगी ना, तो एक बार 12 बजे के बाद, तो इसी चीज के लिए यहाँ पे बताया था। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप डेट एंड टाइम को इकट्ठा लिखें, अगर नहीं लिखे हुए हैं तो इन दोनों को प्लस कर दें कि लेटेस्ट डेट प्लस लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट प्लस ओल्डेस्ट टाइम, सिंपल है। इसमें आप कस्टम फॉर्मेटिंग या इसमें टाइम फॉर्मेट में जाए और ये 37, 30, 55 का लगा दें तो आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने डेट एंड टाइम इकट्ठा लिख रखा है तो फिर आपको प्लस करने की जरूरत नहीं, समझ गया? वो दोनों भी होता है ना, कंट्रोल और सेमी कॉलोन, प्लस कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलोन, दोनों आ जाता है। कहाँ कंट्रोल सेमी कॉलोन आता है? ये कंट्रोल सेमी कॉलन जब प्रेस करेंगे डेट आएगा ना,
कंट्रोल सेमीकोलन से डेट नहीं, कंट्रोल सेमीकोलन करते हैं तो डेट सिस्टम डेट टाइप होता है। हाँ सिस्टम डेट टाइप, लेकिन यदि हम उसको लेना है तो हाँ तो दोनों कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, या डायरेक्टली आप लिख भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। जैसे आज मुझे अभी का टाइम लिखना है तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 10/25 और 21:32 हो गया, ठीक है। आप बोले सर 21 क्यों किया, देखिए 24 घंटे का फॉर्मेट लिखता तो मुझे एम पी एम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 बजे लिखा तो अगर मैं 1 लिख के छोड़ दूं तो ए रात को एम ए हो जाएगा। अब मुझे दोपहर 1 लिखना है तो मुझे यहाँ पे पीएम लगाना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए हम डायरेक्ट जो है 13 ही लिख देते हैं, मेरी आदत है सर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए, ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर देता हूं आपको, और आप लोगों ने जिन्होंने नहीं बनाया हुआ है वो बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और अगली टॉपिक हमारा रेफरेंसेस, लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूला से है, मतलब कि वी लुकअप वगैरह में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो लोग सुबह 6:30 ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं, आप ही के साथ वो भी बैच चल रहा है। क्या टॉपिक है? सेम टॉपिक चलता है, आज टेस्ट में कराया है, मतलब कि जो सुबह कराता हूँ शाम में कराता हूँ। डेट एंड टाइम में? डेट एंड टाइम हो चुका है, वहां पे टेस्ट हुआ है, टेस्ट के बाद लुकअप रेफरेंसेज है। सुबह 6:30 लिंक सेम होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर, अगला टॉपिक हमारा नाइट वाला जो बोल रहे हैं वो सुजीत सर। हाँ जी, नाइट वाला जो बोल रहे थे स्टार्ट होने वाला है 10:30 से, वो कब हो रहा है? 10:30 हो जाएगा सर, जैसे मंथन चल रहा है ना, इस कारण से कुछ बच्चे पूरा बच्चे नहीं आ रहा है, उसमें 3 बच्चे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको किया हुआ। दूसरा बात ये भी था कि मैं भी 2 दिन से मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था तो मैंने स्टार्ट कर रहा, तो एक दो अभी तो बेसिक ही चलेगा ना, उसमें तो कॉपी पेस्ट थोड़ा चलेगा, तो लोग आपको जानते ही। लिंक सेम होगा, अगर एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर क्लास कंडक्ट होगी तो ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ वही हम देख रहे हैं, आपको टाइम ये सूट नहीं कर रहा है, सुबह 6:30 भी कर सकते हैं अगर ये सूट नहीं कर रहा है। वो तो नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि 9 बजे से पहले 10 से था, अभी 9 से ऑफिस हो गई है, तो सुबह 6:30 है ना सर, सर अकेले है। 5 बजे तो नहीं उठते होंगे? 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं। चलिए कोई बात, ठीक है सर, तो कल मिलते हैं। कल का फिर ये वीलू को भी स्टार्ट करेंगे? हाँ वीलू का भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल हम आपको कुछ 2.5-3 घंटे की रिकॉर्डिंग भेजेंगे पहले वीलुकअप्स, क्योंकि वीलुकअप इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे पिवट इम्पोर्टेंट था, तो पिवट की मैंने आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो भेजा था ना, ऐसे में कल ढूंढ के भेजूंगा सर आपको कुछ वीलुकअप की रिकॉर्डिंग, तो उसको देख के फिर वीलुकअप स्टार्ट करेंगे। तो इसका एक्सेल फाइल भेजिए ना, वो बिना उसके कुछ नहीं हो पाता है। मैंने एक्सेल फाइल भेज दिया आपको, मैं अभी अभी की नहीं नहीं भेजा था, वो उसके साथ में भेजा हुआ है। क्या? वीडियो के साथ भेजा हुआ है आपने? नहीं अभी जो मैंने एक्सेल फाइल भेजा है, हाँ अभी नहीं, वो पाइवट वाली बात कर रहा हूँ। सर पीवट नहीं, वो एक्सेल फाइल नहीं है सर, एक्सेल फाइल सिस्टम नहीं लगता सर, डिलीट कर देता हूँ ना सर, और डेली सर 30-35 फाइल क्रिएट होता है, इतना फाइल रखूंगा तो मेरा सिस्टम ही बम बोल देगा। नहीं, जैसे मास्टर कोई फाइल होते होंगे ना सर आपके भी, इसके लिए मैं बोलूंगा। फाइल नहीं होती है सर, फाइल फाइल अगर चाहिए तो क्लास के समय बोलिए, उसमें मिल जाएगा, क्लास के बाद बोलेंगे फाइल तो मुश्किल है, क्योंकि बाद वो डिलीट हो जाती है या फिर ओवरराइट हो जाती है, उसी पे कोई और बैच की क्लास दे दूंगा या फिर डिलीट कर दूंगा।
तो आपको जो भी फाइल चाहिए क्लास में बोले से फाइल भेज दीजिए, तो मैं उसी से सेट करके आपको बीएम में भेज दूंगा। ठीक है, आगे जो कोई क्लास करेगा सर पिवट टेबल का, जो पूरा क्लास हो पिवट के रूप में होगा। ठीक है, पिवट की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये 10:30 में होगी, तो आपको बता दें। ये क्या है कि आपका एक घंटे का जो है ना वो काफी अच्छा है वो, लेकिन उसका एक्सपर्ट मिल जाता तो काफी आसान हो जाती प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, काम तो हम लोग ऑफिस में करते ही है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा।